तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ समर्सिबल पंप का स्टार्टर है, जस्ट बगल में ही मेन बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस हैंडपम्प में फिटिंग है समर्सिबल दोस्तों, जो किर्लोस्कर कंपनी का है, तो इसमें प्रॉब्लम है। देख सकते हैं एमसीबी ऑफ है, उसके बावजूद भी इसमें लाइट इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रिप भी है देखिए एमसीबी। चलिए अब इसको ऑन करते हैं उठा के, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है। अब इसके बाद देखिए इस हैंडपम्प को, सॉरी हैंडपम्प में जो समर्सेबल लगा हुआ है उसको ऑन करते हैं। तो यहाँ देखिए एमसीबी को उठाते हैं तो तुरंत ही देखिए यहाँ पर ट्रिप हो गया। इसका जो एमसीबी है मेन बोर्ड में जो लगा हुआ है, जैसे स्टार्टर का एमसीबी ऑन करते हैं, यानी कि स्टार्टर ऑन समर्सेबल स्टार्ट करते हैं, तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है, देख सकते हैं। देखिए तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका स्टार्टर का ढक्कन तो खोल के देख लेना होगा कि यहाँ पर हो सकता है कोई तरह का वायर शॉर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें पूरा चेक किए, सभी वायर परफेक्ट यहाँ कनेक्ट है, कोई तरह का इसमें शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है, सभी सब ठीक ठाक है, ठीक ठाक यानी कि पूरा ओके है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों क्या करना होगा, समरसेबल खोल के निकाल के देखना होगा कि उसमें हो सकता है प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके पहले फिर क्या करेंगे दोस्तों, कि समरसेबल से जो तीन वायर जो आता है RYB यानी कि रेड येलो ब्लू, इस तीनों को खोलेंगे और इसको चेक करेंगे, ऐसा कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इसका सही बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेते हैं, ये मेरा डिजिटल मीटर है, और इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, मतलब बजर में रखना है, और इसके बाद इसे कंटिन्यूटी चेक करना है। देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर का जो वायर रहता है दोस्तों कॉमन रहता है, बाकी RYB ये एक में कंडेंसर लगा, एक रनर रहता है, एक स्टार्टर रहता है। तो इसमें देखिए कनेक्शन कर करके चेक कर रहे हैं तो कोई तरह का इसमें इंडिकेट नहीं हो रहा है। और रेड और येलो में कनेक्ट करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा बहुत एक दो आता है, लेकिन सही से कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो कन्फर्म हो गया कि ये इसका प्रॉब्लम जो है इस हैंडपम्प के अंदर जो समरसेबल लगा हुआ है इसमें है। तो चलिए दोस्तों इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हैंडल को, सॉरी हैंडपम्प को निकालेंगे, पूरा निकालना होगा इसमें, उसके बाद ही इसका समरसेबल निकलेगा। तो हैंडपम्प खोलने के लिए देखिए इसका ऊपर का पार्ट्स निकाल लिए हैं, उसके बाद चेन भी खोल लिए हैं, उसके बाद फिर देखिए इसका हैंडपम्प का जो पाइप जो इसमें लगा हुआ है उतना पूरा पाइप निकालना होगा। इसमें टोटल आने की 7 पाइप रहता है दोस्तों और 6 रड रहता है। तो उसके पहले देखिए इस हैंडपम्प का टैंक है उसको निकालेंगे।
देख सकते हैं समरसेबल को पूरा निकाल लिए हैं और निकाल के इसका पंप को भी खोल लिए हैं, और बाकी नीचे का जो मोटर का पार्ट्स है उसको चेक करेंगे। इसी में पूरा फॉल्ट है दोस्तों, यानी कि इसका जो पंप जो है इसका पूरा फ्री भी है, कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं। जो इसमें पंख जो एम्पेलर लगा हुआ रहता है जिसके सहायता से पानी को खींचे ऊपर ऊपर की ओर भेजता है। तो इसका मोटर को चेक करें दोस्तों, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम बता रहा है जो स्टार्टर के पास बता रहा था। तो इसका देखिए ब्लू कलर का कॉमन है और उसके बाद रेड में टच करते हैं, देखिए कोई तरह का इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि इसका मोटर का जो कॉइल है पूरा सॉल्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों इसका कॉइल को वाइंडिंग करके लाना होगा। तो वाइंडिंग पूरा देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं इसमें रेड कलर का जितना जो पेंट लगा हुआ है जगह जगह में, जहाँ जो खुला हुआ है जो भी फिटिंग खुला हुआ है उसमें पूरा चेकिंग किया हुआ है उसके सहायता से, ताकि ये वाइल्ड फील्ड है दोस्तों, किर्लोस्कर कंपनी का है और ये नो स्टेज का है, ठीक है। तो इसको पूरा बढ़िया से पैकिंग भी करना पड़ता है। अब इसका चलिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग होके आ गया है। इसका वाइंडिंग चार्ज का बात करें दोस्तों 3,500 रुपये पड़ा, ठीक है। 1 HP का है, 9 स्टेज का है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसमें पार्टी जहाँ पर हम वाइंडिंग कराए हैं वहाँ पर बता दिए हैं कि ये ब्लू कॉमन ना रह के रेड कलर का जो वायर है ये कॉमन बन गया है। वायर इसमें क्या है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, रेड वाला ब्लू में कनेक्ट हो गया है इस मोटर के अंदर और ब्लू वाला रेड में हो गया, ठीक है। तो इसमें रेड को कॉमन लेके चलना है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा ये पॉइंट कितना बता रहा है, 12 बता रहा है, ठीक है। रेड और येलो में हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 12 बता रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए ब्लू में कनेक्ट करते हैं, ब्लू हमारा रेड हो गया है तो इसमें 7 बता रहा है, ठीक है, रेड और ब्लू में 7। अब चलिए ब्लू और येल्लो को दोनों कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाना चाहिए, यानी 19 बताना चाहिए, 12 7 19। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा 12 7 19 हो गया, यानी कि ये मोटर परफेक्ट है, पूरा अच्छी तरह से वाइंडिंग हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अगर पहले बताता तो कोई तरह का दिक्कत नहीं था, इसमें बॉडी करंट भी नहीं है, सब चीज़ परफेक्ट हो गया। अब चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने से पहले देखिए यहाँ वायर जो है मेरा उल्टा पुल्टा हो गया है, मोटर से जो निकला है वायर कनेक्शन जो निकला है। तो देखिए इसमें रेड कलर का वायर जो है ब्लू में कनेक्ट हो रहा है, और ब्लू वाला जो वायर इसमें रहेगा वो उसमें रेड में कनेक्ट हो जाएगा, और येल्लो जो बचा हुआ है दोस्तों येल्लो में ही कनेक्ट होगा, सिर्फ रेड और ब्लू उलट पलट हो गया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इसमें जोड़ के और इसमें कैसे वायर को जोड़ रहे हैं दोस्तों, इस तरह से ही आपको जोड़ना है, कनेक्शन करना है। कनेक्शन जोड़ने के बाद इसमें देखिए PVC टेप लगा दिए, फिर इसमें लगाएंगे कच्चा टेप जो वाटर प्रूफ टेप रहता है। वाटर प्रूफ टेप इसलिए लगाया जाता है दोस्तों ताकि उसके सहायता से क्या होगा कि पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी को बाहर ही रखेगा। अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका ये जॉइंटर जो है शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से इसको टेप लगाना है दोस्तों, मेन टेप यही होता है इसका, वाटर प्रूफ टेप, ठीक है। ये टेप आप देखे होंगे जो टायर पंचर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसको टेप लगा के फिर इस तरह से हाथ से थोड़ा मल देना है, उसके बाद फिर इसमें PVC टेप लगा देना है। इसी तरह से तीनों वायर लगाना है दोस्तों, ये हमारा ब्लू रेड हो गया, इसी तरह से बाकी जो दो वायर जो बचा हुआ है उसको भी कनेक्शन कर देना है। तो हमारा ये देख सकते हैं तीनों वायर इसमें कनेक्शन कर लिए हैं, येल्लो में कनेक्ट हुआ है, ब्लू रेड में हो गया है और रेड ब्लू में हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर से फिर PVC टेप लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर वाटर प्रूफ टेप लगाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट में एंड में PVC टेप लगाएंगे। तो ये हमारा परफेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। आज तक जहां भी कनेक्शन किए हैं दोस्तों इस तरह से कभी आज तक शॉर्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं इसमें वाटर प्रूफ भी टेप लग गया है। लगाने के बाद फिर इसके ऊपर PVC टेप लगा दे रहे हैं। मेन है दोस्तों इसे कनेक्शन सही से करना, अगर आप सही से कनेक्शन करेंगे तो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ऐसा जगह हम रिपेयरिंग के लिए गए हैं जिसका कनेक्शन में ही शॉर्ट हो गया रहता है, जिसके वजह से फिर ये मोटर चलता नहीं है। तो फिर कनेक्शन फिर से हम किए हैं और रिपेयरिंग किए हैं और इसको बनाए हैं। तो इसमें पंप को भी कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं फिटिंग। इसमें 4 नट रहता है दोस्तों, 13 नंबर का इसमें नट रहेगा। अब इसमें भी नट जो कसना है वो भी कसने का एक तरीका रहता है। इसमें एक नट अगर कसे हैं जस्ट अपोजिट उसके सामने वाला ही नट कसना है, ऐसा नहीं कि इसके अगल बगल लग कस देना है। उस तरह से क्या होगा कि आपका मोटर जाम हो जाएगा, इसका जो अंदर जो शाफ्ट रहता है वो प्ले नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए, मतलब अप डाउन रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब मोटर चलता है तो वो घूमता है,
शाफ्ट को घुमाता है, जब शाफ्ट और उसी शाफ्ट में लगा हुआ रहता है उसमें एम्पेलर, जो एम्पेलर जो रहता है दोस्तों पानी को सोख के ऊपर की ओर फेंक देता है। ठीक है, तो इसमें जितना सारा पाइप है टोटल 130 फीट नीचे जाएगा, यानी कि 13 पाइप इसमें लगा हुआ था दोस्तों। तो फिर से इसमें 13 पाइप नीचे लगा देंगे, जो ये 1 इंची का कोलूम पाइप है, और एक एक करके इसी तरह से फिटिंग करते जाएंगे और इसमें फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर पूरा फिटिंग हो गया है। इस यूनियन को भी टाइट कर देना है, इसमें हल्का सा टेफ्लॉन टेप लगा दिए हैं, टेफ्लॉन टेप लगा और टाइट कर दिए। देखिए इस तरह से पाइपिंग हुआ है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट छूटा हुआ है जो बल्ब लगा हुआ है। और इसमें देखिए शाम हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लाइट कट गया था, इसके चलते दिक्कत हुआ। चलिए ऑन करते हैं मोटर को। तो मोटर स्टार्ट दोस्तों, पानी भी बहुत अच्छा खासा दे रहा है, देख सकते हैं नो स्ट्रेस का ये मोटर है, किर्लोस्कर ब्रांड का है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।